भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर किसान अलग अलग तरह की खेती करते हैं। काफी किसान धान काटने के बाद गेहूं की खेती करते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान इंद्रजीत सिंह से, जिसने ट्रेंच विधि द्वारा ट्रेनिंग लेकर गन्ने की बुआई की। इस विधि से किसानों को काफी अच्छा मुनाफा आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। इस समय भी किसान इंद्र सिंह इस विधि द्वारा गन्ने की बुआई कर रहे हैं। ट्रेंच विधि से गन्ने की बटवार भी काफी अच्छी है। किसान ने बताया कि जनवरी छोड़कर किसी भी महीने में ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की बिजाई कर सकते हैं। इस समय भी किसान के खेत में गन्ने की बिजाई चल रही है। आपको बता दें कि किसान को अभी तक इस फसल से काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैं 2006 से गन्ने की खेती कर रहा हूँ और मैं सर 35 एकड़ में गन्ने की खेती करता हूँ। और मैं पहले परंपरागत तरीके से गन्ने की खेती करता था, यानी कि 2 फीट पे, और मतलब जिसमें ऐसे ही वेस्ट गन्ना डाल देते थे, 30-35 क्विंटल गन्ना लगता था। लेकिन अब हमने अपने खेती करने का ढंग थोड़ा सा बदला है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो उसमें मेरे को डॉक्टर अपना रविंदर जी ने, जो गन्ना प्रजनन संस्थान है अपना करनाल से, उन्होंने अपना थोड़ा सहयोग दिया और उनके मार्गदर्शन में यह नवी विधि यूज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रांसप्लांटिंग। इसमें हम गन्ने की पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के बाद हम 5,000 पौधा और मैक्सिमम 5,500 पौधा हम एक खेत में लगाते हैं। डिस्टेंस मैंने रखा है 5 फुट बाय 2, जिसमें मैं दूसरी फसल भी लेता हूँ। दूसरी फसल लेने का प्रायोजन ये है कि ये अक्टूबर माह में मेरा गन्ना लग जाता है, ये मुड्ढे में आ जाता है, पर्चियाँ भी अच्छी आ जाती हैं और 600 प्लस मेरा गन्ना निकलता है, और दूसरी फसल भी मैं पूरा साल इसमें से लेता हूँ। किसान गन्ने के साथ साथ मिश्रित खेती भी कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियां उगा रखी हैं। किसान ने बताया कि आने वाले समय में इस विधि का काफी फायदा मिलेगा। पानी की भी इस विधि में कम लागत लगती है। करनाल से न्यूज के लिए केएस वीर की रिपोर्ट।